अजान के वक्त अगर औरत के सर पे दुपट्टा ना हो कोई गुनाह नहीं। औरत अगर जबानी तिलावत करी है नंगे सर वो भी जायज़ है, लेकिन कपड़ा हो तो अदब है। मेरे बड़े भाई झगड़ते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। काबे पर कोई नाम लिखा लिखना जायज़ नहीं है। मेरे बेटे 10 पारे पढ़े आगे नहीं पढ़ता, अल्लाह हिदायत दे। जिस पर कर्जा है वो इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़े। बरमंगम से जिन दोस्तों ने सलाम कहा है, वालेहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, बहरहाल जो भी बरेलवी हो या कोई हो, अगर वो अहले बिदअत हैं यानी अजान से पहले सलातु सलाम पढ़ते हैं, नमाज के बाद खड़े होकर सलातु सलाम, तो दलील है कि अहले बिदअत, उनके पीछे नमाज नहीं होती। पता नहीं कराची में कहता है कि कोई बांटवा बिरादरी है मेमन, वो लड़के को खरीदा जाता है, क्या माना घर दामाद बनाने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। गरीब लड़की के वालिदैन कर्जा और ज़कात देकर रिश्ता कराने वाले ब्रोकर भी दोनों पार्टियों से लाखों माल। बहरहाल ये मजबूरी है, लड़कियों के रिश्ते के लिए बेचारे ब्रोकर को दलाल को पैसे देते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता ढूँढे, लेकिन घर दामाद बनाने के लिए किसी को खरीदना, खरीद करके गुलाम नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल जमजम में पानी ना मिला, उसूल यही है कि ना मिलाए। औरत के पानी आने से गुसल करना होगा, पानी का पता नहीं क्या कौन सा पानी, मजी है, मदी है, मनी है, क्या है। मेरे मियाँ बाहर होते हैं, सब्र के लिए एक तो अल्लाह का जिक्र करें, दूसरा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। कहते हैं कि कोई औरत फौत हो गई, कब्र के कफन चोर ने कब्र खोली और उसका कफन छीनने लगा, तो उसने उसको पकड़ लिया। अल्लाह आलम, न कुरान में है न हदीस में है। बीवी के चेहरे को देखना सवाब है, बिल्कुल, जब दूसरे को देखना गुनाह है तो बीवी को देखना सवाब है। पाकिस्तान में धोबी कपड़े गंदी जगहों पे धोते हैं, उनको चाहिए कि धोने के बाद फिर पाक पानी में उनको डाल के निचोड़ें, वरना कपड़े पाक नहीं होंगे। बहरहाल आप अल्लाह का नाम पढ़ती रहें, ये ज़रूरी थोड़ा है कि हम वजीफ़ा पढ़ें तो महीने में काम हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी जब चाहें। हमारा काम है मांगते रहना, हमारा काम है कि बादशाह के दरवाजे पे बैठे रहें, अब बादशाह की मर्ज़ी जब नज़र करम फरमाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे खानों का, बाज़ार के खानों का रिवाज है, खाना खाने वालों और धोबी के दिले कपड़े पहनने वालों की नहीं, वो वसला तुमने समझा नहीं। वो फुकहा ने ये लिखा है कि जो आदमी चलते फिरते खा रहा है तो उसकी गवाही कबूल न की जाए, क्योंकि ये मरूवत के ख़िलाफ़ कर रहा है, खाने का हुक्म है तो बैठ के खाए। कहते जी कि अगर मियाँ बीवी मिले हैं, अब घर वालों उस वक्त गुस्ल करना ज़रा सबको पता लगता, तो अगर गुस्ल न करें सारी करके नीयत कर लें कोई बात नहीं, बाद में गुस्ल कर लें, लेकिन ये तो नहीं ना कि नमाज भी छोड़ दें।